आज तो हमारे दिल इतने दुखी हो गए हैं कि एक दूसरों को सदियों के दुश्मन हो इस तरह से मानना शुरू कर दिया है। यह हमारे लिए बड़ी नामोशी की बात है। होना तो ये चाहिए, अगर हम मुस्लिम न रहते, न मुसलमान मुस्लिम रहते, न हिंदू रहते, न सिख रहते, तो पीछे हमको किसी का डर नहीं रहेगा। जब मुस्लिम हम बनते हैं ना, तो डर के मारे बन जाते हैं, डर छोड़ दे। मुसलमानों को डर छोड़ना चाहिए, हिंदू का, सिख का, सिखों को, हिंदुओं को, मुसलमानों का डर छोड़ना चाहिए, सिखों और हिंदुओं को आपस में डर छोड़ना चाहिए। जब हम मुस्लिम मिट जाएंगे तो डर भी हम छोड़ देंगे। तब तो पीछे बनना चाहते हैं तो हम बड़ी भारी मिलिट्री ताकत बन सकते हैं, या तो मेरी ढंग के बनना चाहते हैं तो बस एक बड़ा अहिंसक और अजीत सैन्य बन सकता है। दो रास्ता हमारे पास पड़ा है, तीसरा नहीं। आज जो चलता है वो कोई रास्ता ही नहीं, वो तो हैवानियत का रास्ता है, और इसमें गिनाई का रास्ता है, उसमें कोई आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। तो ये बताना चाहता था कि किस तरह से हम एक दूसरों के नजदीक हुकूमत के हिस्से से आ सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि मुसलमान वो हिंदू की सिख की गलतियां ही निकालते रहे, जैसे निकालते हैं वो छोड़ दें, और वो अपनी गलतियां को देखे और अपनी गलतियां को एक पारसी बना कर देखे। ऐसा नहीं कि हाँ हो सकता है कि हमने भी एक जमाने में गलतियां की, लेकिन इससे क्या हुआ, देखो तो सही, हिंदू की सिख की जो पारसी गलतियां उसके सामने हमारी गलती तो कुछ नहीं, ऐसा वो कहें और ऐसा ही हम कहना शुरू करें कि चलो हिंदू सिख उन्होंने कहाँ गलतियां की, और वो गलतियां की हैं, वो गलतियां तो की तो सही, लेकिन वो तो जवाब में ना गलती का जवाब गलती से दे लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो जगत में होता चला है। ऐसा कह के अगर हम अपने दिल को फुसला लें हिंदू और सिख, तो मैं कहूँगा कि ये कोई चारा ही नहीं है कि हम कभी भी आपस में दिल साफ करके भेज सकते। आज तो रोबोट यहां तक आ गई है कि हाँ अभी पाकिस्तानी सरकार भी कहती है कि इतने मुसलमानों को तो हम दे देंगे, बाकी मुसलमानों को हम नहीं देंगे। तो हमारे दिल में एक शक पैदा हो जाता है कि अच्छा इसमें तो कुछ दगा की बात रहती जाती है। अरे दगा की बात उसमें रहनी क्या थी, है तो डरा तो उसके दिल में पड़ा है, इसे हमें क्या है। ऐसा भी हम इतनी भी बहादुरी नहीं रखेंगे तो पीछे हम मरने वाले हैं। तो वो तो मैं छोड़ दूँ अभी, मैं तो इतनी ही बात कहता हूँ कि मुसलमानों को हिंदू सिखों का गुनाह का इशारा तक न करें और अपना गुनाह को ही कबूल करें। अगर मानते हैं कि गुनाह हुआ है, और मैं मानता हूं तो सही कि गुनाह हुआ है, उनको कबूल करना चाहिए। मैंने कभी कहा है कि कब कहा कि ये बस एक जहर ही तिरस्कार ही कि बस हिंदू है वो तो हमारे दुश्मन है, ऐसा बना दिया, शिक्षण दिया। वो किसने शिक्षण दिया, क्यों दिया, उसका नतीजा आज हम बुरा देखते। पाकिस्तान तो हो गया उसी क्या, लेकिन हम पाक नहीं बनते। आज सब मुसलमान पर काबू जो पाना चाहिए होना चाहिए वो नहीं मिलता है, और पीछे जो बस ऐसा कहते अरे कल तो ऐसा कहते कि हमारे दुश्मन है, आज दोस्त बन गए क्या, कैसे बने। लेकिन ये भी बन सकता कि कल दुश्मन थे वो कल आज दोस्त बने, लेकिन जब दोस्त बने ऐसा हम कहते हैं ना, तब हम जिस समय में दुश्मन थे तब हमने दुश्मनी क्या की, वो तो कहें तब तो विषय हो सकता है।
और इसी तरह से मैं कहूंगा कि हवन हुकूमत को और हिंदू को सिख को जो कोई भी हिंदुस्तान में रहते हैं उनको साफ साफ दिल से कह देना है कि हाँ गलती तो हमारी तो हो गई है, आपकी गलती हो गई है तो आप जाने न जाने, लेकिन हमारी गलती है हम तो गलती करें नहीं करें। ऐसा अगर दोनों आपस आपस में ये सच्चा मुकाबला करें, एक तो मुकाबला ये है कि एक मुक्का दिया तो मैं दो मारूंगा, लेकिन इसके बदले में ये मुकाबला हम करें कि आप भले होते हैं तो हम दो गुना भले होंगे, तो वही मुकाबला भलेपन में अच्छा होने में तब मैं कहता हूँ हमारी एक खेल है, तब मैं आराम से दिल्ली छोड़ सकता हूँ। मेरे नसीब में अगर दिल्ली में यूं ही पड़ रहना है और दिल्ली में ही मरना है तो मरूंगा, ऐसा तो मैं जानता हूँ मेरा धर्म क्या है। दूसरा तो मैं सिखा नहीं हूँ, करो या मरो, तो कर नहीं सकते तो मरो तो सही, क्या मरना भी नहीं है तुम्हारे, ये मेरा दिल को मैं पूछता हूँ, सबको मैं कहता हूँ करें इतना तो सीख लो करेंगे हमारे तीसरी बात हमारे पास है, भागेंगे नहीं कभी, भागना नहीं है। तो मेरे नसीब में यही होगा कि हमारा दिल एक तो बन नहीं सकता है, दुश्मन दुश्मन बनते हैं तो बस एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेते हैं, वो हिंदुस्तान की शांति का मार्ग नहीं हुआ। हिंदुस्तान की शांति का मार्ग तो तब हो सकता है कि हम किसी से डरेंगे ही नहीं और डर छोड़ देते हैं,